हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जावा 42 बॉवर का। आप मेरे सामने देख सकते हैं क्रूज़र बाइक है, और इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे सामने दो कलर खड़े हैं। एक आपका मिल जाता है जैस्पर रेड और दूसरा मिल जाता है मूनस्टोन वाइट। और एक और कलर आता है, इस समय वो अवेलेबल नहीं है। दोनों में प्राइस का डिफरेंस 2000 का प्राइस का डिफरेंस है सिर्फ कलर की वजह से। तो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसका प्राइस भी पता चल जाएगा कि ऑन रोड कितने की पड़ती है। तो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में आपको हेडलाइट के ऊपर 42 की बैजिंग मिल जाती है और जावा का लोगो मिल जाता है। स्प्लिट प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती हैं डुअल, और जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है रात में इसकी। और साइड में बात करते हैं तो साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हाइलोजन के, और साइज़ जो है काफ़ी छोटा है इसका, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा लग रहा है साइड जो लुक है टर्न इंडिकेटर का। सेम रॉयल इनफील्ड के इंडिकेटर मिले, बस इसका मिनी वर्जन इसमें दे दिया गया है। फिर आपको नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाता है हेडलाइट के जस्ट नीचे, आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको फ्रंट मिडगार्ड मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक प्रीमियम फील आ रही है आपको बाइक देखते ही। 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है विद ABS, डुअल चैनल ABS के साथ आती है ये बाइक, और आपको ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें आपको C8 के टायर मिलते हैं जो ट्यूबलेस नहीं है। स्पेसिफिकेशन की टायर की बात कर लूँ तो 100/90 के 18 inch के आपको टायर मिलते हैं, और यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्पोक व्हील मिलते हैं। स्पोक व्हील थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं अगर क्रूज़र बाइक है, आप देख सकते हैं ओवरऑल जो फ्रंट टायर का लुक है वो अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको इंजन का सेटअप मिल जाता है, एयर प्लस लिक्विड कूल दोनों के साथ आती है ये बाइक, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। फिर आपको साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर की पोजिशनिंग काफ़ी यूनिक है, एक अलग तरीके से सेटअप करा गया है रिफ्लेक्टर को, काफ़ी प्रीमियम बाइक लग रही है ये। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार की दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये देख सकते हैं जावा की मिल जाती है, और की थोड़ी और अच्छी हो सकती थी आई थिंक, थोड़ा स्कूटर जैसा फील आ रहा है। आपको कैसी लगी कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जावा की बैजिंग मिल जाती है, एक स्टीकर मिल जाता है, लेदर का आपको टैंक पैड मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको टैंक पैड मिलता है, तो ओवरऑल जो टैंक का लुक है, जो आगे से फ्रंट साइड प्रोफाइल का जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं इंजन का आपको पूरा सेटअप मिल जाता है। फिर अगर इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो आपको 334 cc का एयर प्लस लिक्विड कूल मिल जाता है। मैक्स पावर की बात कर लूँ 13.64 PS की मिलती है, और साइड में आप देख सकते हैं बॉबर 42 का एक रेसिंग फॉन्ट मिलता है, तो साइड पैनल पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है वाइट कलर पर। सीट आप देख सकते हैं, सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल, अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। क्रूज़र बाइक है तो जिनकी शॉर्ट हाइट है वो भी आराम से इजली चला सकते हैं। रेयर में आप देख सकते हैं रेयर टायर का जो कुछ प्रोफाइल आप देख सकते हैं, पीछे का जो टायर एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा आपको ब्रॉड मिलता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा मिलता है। फिर आपको यहाँ पे 230 mm की डिस्क मिलती है, आपको यहाँ पे भी ABS मिल जाता है पीछे भी, जो डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो स्टाइल के साथ कम्फर्ट के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। मैं टायर की स्पेसिफिकेशन बता दूं तो आपको मिल जाता है 140/70 का 17 inch का टायर। रेयर व्यू है, रेयर व्यू भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। फिर ऊपर आपको टैंक पैड मिल जाता है, साइड प्रोफाइल में आपको जावा लिखा हुआ मिल जाता है। ओवरऑल जो वाइट कलर का कॉम्बिनेशन वाइट एंड ब्लू का, काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो बटन दिए गए हैं, मतलब जो हेडलाइट के बटन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब प्रीमियम है, काफ़ी ब्रॉड हैं, और थोड़े लुक वाइज भी बाकी जितने भी अदर बाइक्स हैं अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पता नहीं जावा को क्यों अंडररेटेड, मैं कहूँगा अंडररेटेड है, बट भाई बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, आप देख सकते हैं। और आपको ये बाइक कैसी लग रही है आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। आप मुझे एक बार आगे से मैं लुक दिखाता हूँ फिर से, तो ये देखिए फ्रंट लुक आप जब देख रहे हैं तो फ्रंट में जो सिंगल स्टैंड पे साइड स्टैंड पे खड़ी है बाइक, तो एक अलग ही लुक आ रहा है इस चीज़ का। अब मैं चलता हूँ आपको मीटर कंसोल की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको राउंड शेप में मीटर कंसोल मिल जाता है इसका। सबसे पहले तो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, न्यूटन की लाइट, ABS की लाइट, टर्न इंडिकेटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइमर, फ्यूल इंडिकेशन,
सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है राउंड शेप इसका, तो गोल में काफ़ी बढ़िया लग रहा है मतलब। अब चलते हैं फ्यूल टैंक पे। फ्यूल टैंक 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है इसका, और ये देख सकते हैं आपको जो फ्यूल कैप है वो थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, आप देख सकते हैं। साइड में आपको लाइन भी मिल जाती है। और जो माइलेज की बात कर लूँ तो ये 20 से 25 का आपको माइलेज दे देगी, आप देख सकते हैं जो लुक है भाई। आप चाहें तो उस पर सीट लगवा भी सकते हैं पीछे, और नहीं अगर पसंद है तो नहीं भी लगवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जो बाइक है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सिंगल सीट के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं इसमें इधर रेड खड़ा है, जैस्पर रेड, और वो है मूनस्टोन वाइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस की बात कर लेते हैं, तो 2000 का डिफरेंस है। प्राइस है इसका 254,249 वाइट कलर का, और रेड कलर का है 256,206 रुपये। तो 2000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है। और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैंने जो सारी इंपॉर्टेंट जो की एलिमेंट है वो मैंने कवर अप कर लिए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज़ जावा, दिस इज़ अल्फा मेल, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग, साइनिंग ऑफ, बाय।